अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप इंडियन केस फाइल्स चक्रव्यूह। सीधे सीधे मुझे ये बताओ जो उन्होंने कहा वो सच है कि नहीं, कबूल करो। वो बोल रहा है ना, अभी आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपने शक पर यकीन करेंगे या उनकी कहानी पर। सब लेकर जाओ, इसे ले जाओ। चल सर, अभी भी यकीन नहीं होता, कैसे खतरनाक लोग हैं ये, इन्हें इंसान भी कह सकते हैं या नहीं। इसीलिए हमें विक्की की गवाही बहुत जरूरी आ देती है, ताकि बाहर निकलकर किसी और मासूम की जिंदगी के साथ ना खेले। तब तक तुम आकाश के माँ और भाई को उसकी मौत के बारे में खबर दे दो। डीसीपी साहब से मिलकर आता हूँ। सब नहीं हो सकता, मेरा मासूम सा बच्चा और उन लोगों ने उसे इतने बेदर्दी से मार डाला। नहीं 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 आकाश। संभालिए प्लीज। अरे नहीं चाहिए मुझे पानी, मुझे मेरा सिर्फ बच्चा चाहिए और कोई नहीं। माँ संभालो अपने आप को। अरे कैसे संभालू मैं, क्यों मारा उन्होंने मेरे भाई को। उन्हें लगा आकाश के पास पैसे हैं, लेकिन नहीं थे। इसके पहले कि वो किसी को कुछ बताए उन्होंने उसे मार डाला। अरे हाय लगेगी उनको मेरी, एक माँ की हाय। भगवान उनको देख लेगा। नहीं नहीं रणवीर नहीं, जो तुम चाह रहे हो इतना आसान नहीं है। तुम समझते क्यों नहीं हो। सो प्लीज, सब कुछ आपके हाथ में सर, बस मुझे एक मौका और दे दीजिए सर। वो बहुत शातिर है और उसका बयान हमारे लिए बहुत जरूरी है सर, वरना हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। नार्को टेस्ट के लिए कोर्ट की परमिशन, पूरा केस बताना, कितनी सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं। सर मैं सारी फॉर्मेलिटीज देख लूंगा, प्लीज आप एक बार परमिशन दिलवा दीजिए। ठीक है मैं इंतजाम करता हूं, लेकिन मुझे रिजल्ट चाहिए। यस सर, थैंक्स। क्या आप ये टेस्ट अपने मर्जी से दे रहे हैं? जी मैडम। आपको इस पेपर में साइन करना होगा। सर आपको जो सवाल पूछना है आप मुझे बता सकते हैं। क्या वो सवाल मैं पूछ सकता हूँ? सॉरी सर, ये सवाल मुझे ही पूछना है, आप बता दीजिए क्या पूछना होगा। थैंक यू। जवाब दीजिए मेरे सवालों का। क्या मीनाक्षी जी, अरुण कुमार और आकाश की मौत में आप ही का हाथ है? जवाब दीजिए। खोलिए, जवाब दीजिए। क्या आपने आकाश की लाश को काटा था? आकाश
ओके। रणविजय सर कहाँ है, अभी आए नहीं? आती हूँ थोड़ी देर और बस। अगर हीरिंग शुरू हो गई और सर नहीं आए तो फिर केस हाथ से जा सकता है। हो गया मैं? जी सर, उसने सारे सवालों का जवाब दे दिया है। चिप में दे सकता हूँ? सॉरी सर, चिप तो मैं शाम को कोर्ट में ही सबमिट करूंगी। मैम 2 बजे मेरी कोर्ट में हीरिंग है, आप प्लीज चिप दे दीजिए। सर, कोर्ट के कुछ रूल एंड रेगुलेशन होते हैं जिसे हमें फॉलो करना होता है। सर आप पानी ले लीजिए। ओके मैम। थैंक यू सर। हेलो भैया। मैडम सर नहीं आए, फोन लगाइए, केस का अनाउंसमेंट हो चुका है। देखिए नहीं आया अभी तक? नहीं अभी तक नहीं आया। ए सोना आप तो मैं लेके ही जाऊंगी। अरे आई और कविता नहीं है? शिंदे। अरे आरवी साहब स्पेशल फ्रेंड है। अदालत की कार्यवाही शुरू कीजिए। केस नंबर 76598। योर ऑनर, मैं विकी का कन्फेशन स्टेटमेंट वीडियो सबूत के तौर पे पेश करना चाहूंगा। नक्शी को मेरी एक छोटी सी बात पता चल गई थी, इसलिए मैंने उसको मार दिया। मारने के बाद मैंने कुछ ऐसा किया कि लोगों को लगने लगा कि उसने सुसाइड किया है। विकी ने खुद पुलिस को बयान दिया है। योर ऑनर। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। जज साहब एक मिनट, मैं माफी चाहता हूं कि मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब किया, लेकिन अगर आपकी इजाजत हो तो मैं ये केस खुद लड़ना चाहता हूं। इजाजत है। थैंक यू जज साहब। जज साहब मेरे काबिल दोस्त शायद ये भूल गए कि जेल में पुलिस के सामने दी गई हुई बयान को इस कोर्ट में कोई मान्यता नहीं होती। वैसे यहां पर सब जानते हैं कि कई केसेस होते हैं जहां पर पुलिस मारपीट करके भी बयान लेती है। योर ऑनर ये तो सरासर इल्जामात लगा रहे हैं, कोर्ट को गुमराह कर रहे हैं। हमारा पुलिस प्रशासन यहां तक की कितनी कड़ी मेहनत कर रहा है। जज साहब मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, मैं तो बस वही बता रहा हूं जो मेरे साथ हुआ है। ठीक है अगर इल्जाम नहीं है तो योर ऑनर हमारे पास ऐसा भी सबूत है जिसमें ना किसी को मारा गया है ना पीटा गया है। इस नार्कोटेस्ट के वीडियो में मुजरिम को ऑब्जेक्शन योर ऑनर, अभी यह साबित नहीं हुआ है कि विकी मुजरिम है। सस्टेन। ओके आई एम सॉरी सर। योर ऑनर वीडियो में हॉस्पिटल में
कोर्ट की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव था जिसके सामने रिकॉर्ड किया गया, जहां पर इंसान आधा होश में होता है और आधा बेहोशी की हालत में होता है। इस सबूत को आप गलत नहीं साबित कर पाएंगे। आंखें खोलिए, क्या मीनाक्षी जी, अरुण कुमार और आकाश के मौत में आप ही का हाथ है? जवाब दीजिए। नहीं। पुलिस फंसा रही है मुझे, फंसा रही है पुलिस। आकाश को आपने काटा था, जवाब दीजिए। गलत बात है, मैंने नहीं काटा। सुनिए, दोबारा सुनिए, आप ही का काम है ना अमीर लड़के और लड़कियों को फंसाना अपने जाल में और फिर उनको मार डालना लूट के। सवाल का जवाब दीजिए। छोटी बात है, छोटी बात है, मुझे पुलिस फंसा रही है, मुझे बचाओ मुझे। इसका मतलब आप बोलना चाहते कि पुलिस आपको टॉर्चर कर रही है आपके गुनाह कबूल करवाने के लिए। सवाल का जवाब दीजिए, जागिए, बोलिए। हाँ सच है, पुलिस फंसा रही है मुझे, फंसा रही है पुलिस फंसा रही है, सच बात है। एक्सक्यूज मी, प्लीज मेंटेन द डेकोरम ऑफ द कोर्ट। सॉरी सर, सॉरी सर, ऐसा लग रहा है कि आपने अपनी पार्टी बदल ली। ये वीडियो तो मेरे फायदे में, खैर कोई बात नहीं। सर अगर आपकी इजाजत हो तो मैं एसीपी सर से कुछ पूछना चाहता हूँ। इजाजत है। क्या नाम है सर आपका? एसीपी रणविजय सिंह। एसीपी रणविजय सिंह, बहुत पावरफुल नाम है सर, मुझे बहुत पसंद है। खैर आप मुझे ये बताइए कि आप मुझे यानी कि विक्की को गुनहगार कैसे मानते हैं? जज साहब, हमें शक है कि आनंद कुमार और आकाश के मर्डर के पीछे विक्की कहां थे। शक? माय लॉर्ड, ये इसको नोट किया जाए, शक के आधार पे उन्होंने मुझ जैसे मासूम को गिरफ्तार किया और उसे जोर जबरदस्ती करके कन्फेशन कराया। ऑब्जेक्शन यू ऑनर। ऑब्जेक्शन क्यों सर? क्योंकि कहीं ये साबित ही नहीं हुआ है कि पुलिस ने मारपीट करके कोई बयान दर्ज कराया आपका। लगता है सुबह सुबह आप ब्रेकफास्ट में बादाम खाना भूल गए हैं सर। अरे अभी अभी तो सर ने हमें वीडियो दिखाया जहां पर इन्हीं के बंदे ने कहा है कि वहां पर जोर जबरदस्ती हुई। आप खुद वीडियो दिखाते हैं और फिर उसे ही नहीं मानते। वाह सर। खैर एसीपी रणविजय सिंह जी, आप ये बताइए कि आपके पास कोई सबूत है, गवाह है जो ये साबित कर सके कि विकी ने मर्डर किया है? जज साहब, मनोज और अशोक जो कि इसी के साथ ही हैं, उन्होंने बयान दिया इसके खिलाफ। जज साहब, मैं मनोज और अशोक को यहां कटघरे में बुलाना चाहता हूं। इजाजत है। थैंक यू सर। क्या नाम है आप दोनों का? मेरा नाम अशोक है। और मैं मनोज। और आप मुझे यानी कि विकी को कैसे जानते हैं? हम लोग साथ मिलकर काम करते हैं। क्या काम करते हो? वही, कई सारी मर्डर किए हैं और चोरियां की। आनंद कुमार के मर्डर के दौरान वहां पर कौन कौन था? मैं, मनोज और मीनाक्षी। जज साहब, इस पॉइंट को नोट किया जाए, आनंद कुमार के मर्डर के दौरान वहां पर विकी मौजूद नहीं था।
वैसे मीनाक्षी के मर्डर के बारे में आप कुछ जानते हैं? कि मर्डर आपने मतलब विक्की और डॉली ने किया? किसने बताया तुम्हें? तुम वहां पे मौजूद थे? आपने मतलब विक्की ने बताया था। कोई सबूत है आप दोनों के पास? जज साहब, इनकी खामोशी से साफ साफ पता चलता है कि ये पुलिस की बनी बनाई एक कहानी। ना तो कोई फिंगरप्रिंट है, ना कोई पुख्ता सबूत और ना ही कोई ठोस गवाह। सर, इससे साफ साफ पता चलता है कि मीनाक्षी के मर्डर में विक्की इन्वॉल्व नहीं था। इसमें विक्की का यानी कि मेरा कोई हाथ नहीं है। मेरा हो गया सर। आपके पास कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। योर ऑनर, मनोज और अशोक भले ही मीनाक्षी और आनंद कुमार के हत्यारे ना हो या उसके सबूत ना हो, लेकिन आकाश की हत्या के सबूत हैं। बताओ उस दिन दोनों क्या हुआ था? मैं और मनोज एक दिन कॉफी शॉप पे गए थे। करोड़ों की फिल्म बनाने वाला वो आदमी आकाश था। उसके बाद मैंने विक्की को फोन करके बताया, उसने डॉली को काम पे लगा दिया। उसके बाद वो उसके साथ उसके घर में रहने लगी। फिर एक दिन देखिए, बहुत गड़बड़ होगी, ये आदमी बिल्कुल कंगला निकला। इनफैक्ट ये तो कर्जे में डूबा हुआ है। क्या अबे गधे, किस उल्लू को पकड़ कर ले आया तू? क्या वो 50 करोड़ तो क्या 50 लाख भी नहीं है उसके पास? विक्की के साथ मैं और मनोज आकाश के घर पे गए। हे पप्पा, अता काय करूं मैं? मैं बुरा आदमी नहीं है पप्पा, लेकिन इस गधे ने हमारा पैसा, टाइम, सब कुछ बर्बाद किया, तो मैं क्या करूं? मरना तो होगा ना इसको। नहीं है, उठा उसको, चलो लेके जाओ। एक मिनट, एक बात, बात ए, थाम रे, थाम थाम, एक बात मेरी सुन लीजिए। मुझे दर्द मत दीजिए। आपको मार रही है ना, तो मुझे बेहोश। वहां आकाश को हमने बहुत दारू पिलाई, बहुत पिलाया। तो फिर हम उसे बाथरूम में लेके गए। वहां हमने पहले से ही पॉलीथीन बिछा के रखा हुआ था। फिर मैं और मनोज उसे पकड़े। वो बहुत बहुत गिड़गिड़ा रहा था, लेकिन हम लोगों ने नहीं छोड़ा उसे। मैंने और मनोज ने उसे दबोच के पकड़ा और विक्की ने मशीन और चाकू से उसके टुकड़े टुकड़े किए। फिर वो टुकड़ों को ब्लैक पॉलीथीन में भर के मैंने जंगल में फेंक दिया। योर ऑनर, इनका कॉन्फेशन वीडियो हमारे पास है, जिससे साबित होता है कि विक्की हत्यारा है, क्योंकि ये दोनों वहां पे मौजूद थे। आपको कुछ पूछना है? जज साहब, चलिए एक सेकंड के लिए मान लेते हैं कि विक्की ने मर्डर किया है। देखिए जज साहब, मर्डर वेपन है कहां पर? वो फिंगरप्रिंट्स का है। आकाश के घर पे विक्की कहां मौजूद था, ये कहां प्रूफ हुआ है सर? मैं अभी कह रहा हूं कि ये पुलिस की बनी बनाई कहानी है। है कोई आपके पास प्रूफ? है कोई गवाह? है कोई सबूत? साहब, ये सच है कि इस वक्त हमारे पास मर्डर वेपन नहीं है, लेकिन सारे मर्डर्स का मास्टरमाइंड ये विक्की है। ये इतना शातिर है कि इसने नार्को टेस्ट में भी झूठ बोला है। ये सारे क्राइम्स इसने इतने स्मार्टली किए हैं कि अपने पीछे कोई सबूत नहीं छोड़ा। जज साहब, हमें थोड़ी मोहलत चाहिए इसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के लिए। आरवी सर, सबूत तो आप तब इकट्ठा करेंगे जब मैंने सबूत छोड़ा होगा।
रणविजय जी, क्या करना है क्या नहीं करना है वो हम पर छोड़ दीजिए। आपको कुछ कहना है? योर ऑनर, हमें थोड़ी मोहलत दी जाए और विकी की पुलिस कस्टडी बढ़ा दी जाए, दैट्स ऑल। जज साहब, मैं बस यही कहना चाहता हूं कि चाहे आकाश हो, मीनाक्षी हो या आनंद कुमार, इन तीनों के मर्डर से विकी का यानी कि मेरा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि कोई सबूत ही नहीं। अदालत अपना फैसला लंच के बाद सुनाएगी। दिस कोर्ट इज एडजॉर्न फॉर लंच। तुम रिहा तो हो जाओगे ना? तुमने खाना पीना छोड़ दिया क्या? पतली हो गई तू। सर, इस विक्की ने तो पूरा केस ही पलट दिया। आजादी तो पक्की है मेरी। कोई शक? वैसे इतनी आसानी से तुझे जाने नहीं दूंगा। इंसाफ तो होकर रहेगा। देखते हैं किसकी जीत होती है। वैसे बप्पा से फीलिंग आ रही है मेरे को। जीत मेरी होगी, कोर्ट में मिलती। लला सर, सारे सबूत और गवाहों को देखते हुए ये अदालत का ये मानना है कि आनंद कुमार के मर्डर में मनोज और अशोक का हाथ है। आकाश का मर्डर भी, उसकी लाश और सबूत मिटाने में भी मनोज और अशोक का हाथ है। मीनाक्षी के खोने को पुलिस प्रशासन अभी तक पकड़ नहीं पाई है। यह अदालत पुलिस प्रशासन की कड़ी निंदा करती है कि उन्होंने विकी के खिलाफ कोई सबूत न होते हुए भी उसे गिरफ्तार किया और उसे टॉर्चर किया। पुलिस प्रशासन को यह कतई इजाजत नहीं है कि वो किसी भी व्यक्ति को बिना सबूत के हाथ लगाए। ये अदालत मनोज और अशोक को कसूरवार मानती है और उन्हें आजीवन कारावास की सजा देती है। विकी को जमानत पे रिहा करती है, लेकिन मीनाक्षी का खूनी जब तक मिल नहीं जाता, विकी को हर दूसरे दिन पुलिस स्टेशन में हाजिरी देनी होगी। दिस कोर्ट इज एडजॉर्न। ए डॉली, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। चल डॉली। मैडम थोड़ा साइड देने का। गुड मॉर्निंग बेबी। अच्छा तुम छूट गए, पता मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। अच्छा, जिस जतिन के साथ तुम्हें पक गई थी, बहुत अच्छा लग रहा है कि तुम आ गए हो। तुझे और अच्छा फील कराओ। कराओ? क्या करोगे तुम? बताता हूँ क्या करूँ।
यार कबाब में हड्डी कौन मर गया ये कौन है? हाय बेबी मैं ऑडिशन में हूँ तो तुम्हें थोड़ी देर में कॉल बैक करती हूँ। बाय बेबी। यार तेरे को भी कॉल पे कॉल आते रहते हैं। ऑडिशन में है तू? चल मैं लेता हूँ तेरी ऑडिशन। अच्छा। ये लो। क्या है सर? सस्पेंशन लेटर? हाँ तुम्हें सस्पेंड किया गया है। पर क्यों सर? विक्की की रिहाई हमारे डिपार्टमेंट पे सवाल उठाती है। सर मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। हाँ लेकिन उससे केस सॉल्व तो नहीं हुआ ना। प्लीज एक मौका और दीजिए मुझे। सॉरी मैं नहीं दे सकता, मुझ पे ऊपर से बहुत प्रेशर है, समझ रहे हो? ये मेरे बेडरूम में क्या था? चैटन प्लीज मेरी बात सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना है। ऐसा कुछ भी नहीं। ए दादा शांत होने का क्या प्रॉब्लम है? ये तो वही खूनी है ना। मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। ए शाने पुलिस को ना धमकी देने का नहीं समझा ना। ए तू होता कौन है वीडियो कॉल? शांत हो जा। अरे बस कर ना। ए तूने मुझे धोखा दिया, मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं। उसको हाथ नहीं लगाने का समझा ना। क्या बात कर रहा तू? चल देर से बात कर। क्या पुलिस का धमकी देगा? छोड़ छोड़ धमकी दे रहा है। छोड़ 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 मुझे। आप इतने जल्दी ठीक तो है ना? अब मैं कहीं जाने वाला भी नहीं हूँ। क्या मतलब? सस्पेंड हो गया है। लेकिन क्यों? वही विक्की के केस को लेकर। उसी बहाने आप घर पे रहकर आराम तो कर पाओगे? शायद मेरा सारा वक्त तुम्हारा और मिनी का। पापा
आज आपका भी हॉलीडे और आज मेरा भी हॉलीडे, हम खूब खेलेंगे। बेटा पापा हर रोज आपके साथ खेलेंगे, मैं बस चेंज करके आता हूँ फिर खेलते हैं। हाँ अब बैठो। क्या करना है आपको? हाइड एंड सीक खेलेंगे। ओके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मिनी रेडी? यस। ओके अब हम ढूंढेंगे मिनी को। हाँ वैसे तो मिनी बहुत मुश्किल जगह छुपी है मुझे पता है, लेकिन अप्पा यहाँ तो है नहीं। कहाँ छुपी है, कहाँ छुपी? पकड़ लिया। आउट 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 आउट। अरे मैंने कोई चीटिंग नहीं की। अरे सच्ची गॉड प्रॉमिस कोई चीटिंग नहीं की, सीरियसली। अरे चीटिंग ये बताता हूँ तेरे को चीटिंग। इसकी गेम बजानी पड़ेगी, अगर इसे होश आ गया ना बहुत बकाएगा। गटर लेकर आ। ए डॉली काय के लिए दिमाग में अपने इतने प्रेशर डाल रही है? इसका क्या करने का है ना, मैं तेरे को बाद में बताएगा ठीक है। अभी फिलहाल मुझे पुलिस स्टेशन जाने का साइन करने के लिए ठीक है, तब तक मैं इस शाणे पे ना नजर रखना। तू जा। और सिर्फ नजर रखना, टाइम पास नहीं। क्या अब तबीयत कैसी उनकी? अच्छा ठीक है, भगवान उनकी सेहत अच्छी रखे। गाय पावर साहब, क्या गाय टोंडे सर वेलकम नहीं करोगे हमारा? क्या हुआ, बीवी से खिटपिट हुआ क्या? ले साइन कर। साइन करने तो आया मैं, भूल गया सॉरी। इधर करो, इधर आकर। क्या बात है, आज आपके बड़े साहब यानी कि रणविजय सर नजर नहीं आ रहे। तू था तब भी सर परेशान थे, तू चला गया तेरे को परेशानी देखेगी। अच्छा क्या हो गया? सर को सस्पेंड कर दिया गया है। इसका मतलब सर घर पे छुट्टी बना रहे? नहीं सर हॉस्पिटल में है बेचारे। हॉस्पिटल में क्या हुआ? सर को कैंसर हो गया। इधर आओ बेटा, डर लग रहा है? अच्छा अच्छा अच्छा, डर लग रहा है आपको? पापा क्या हुआ है पापा को? कुछ भी तो नहीं हुआ है पापा को। कुछ नहीं हुआ डॉक्टर ने आपको इंजेक्शन क्यों लगाया? डॉक्टर अंकल ना बेटा बहुत नॉटी है, बहुत नॉटी है। पापा के सर में दर्द था, देखो इंजेक्शन ही तो लगाया। तो फिर चलो ना पापा घर चल के खेलेंगे। पक्का घर चलते हैं, थोड़ी देर में पापा चलेंगे ठीक है। तुम लोग ऐसे मुंह लटका कर क्यों खड़े हो? यार मैं ठीक हूँ, एवरीथिंग इज फाइन विद मी। हंसो यार, कम ऑन। मैं कम इन। शेर शेर
भाभी जी। हमारे साथ है मैडम। सर ये आपके लिए। सुन के बहुत अफसोस हुआ मेरे को। क्या बहुत जल्दी मरने वाले? नहीं मेरे को अभी तक समझ भी नहीं आया कि अब आप मेरे को पकड़ेंगे कैसे। नहीं आपकी आखिरी ख्वाहिश तो आखिरी रह गई ना। क्या माने साहब है? ए विकी सुनना। आदिति खैर अपने वो क्या कर लेंगे। साहब देखो आप ये जन्म में जल्दी मरने वाले हो, उसके बहुत साल बाद मैं मरूंगा, फिर अगले जन्म में हम लोग दोनों मिलेंगे और आप मेरे को पकड़ लेना। पकड़ूंगा मैं तो तुम्हें इसी जन्म में विकी। यही कॉन्फिडेंस, ये जो आप में कॉन्फिडेंस है ना वो मेरे अंदर सुलेमानी कीड़े जगा देती है। क्या मैं तो निकलने वाला हूँ यहाँ से बहुत दूर। नहीं जितना दूर साहब जाने वाले ना उतना दूर नहीं, उससे थोड़ा काम है। चलो छोड़ो ना, आप मेरे को बहुत काम है, मैं चलता हूँ। तब तक ये फूल सूंघो ना, फ्रेश फील करोगे, अच्छा लगेगा। कैटवेल सून भी नहीं बोल सकते आपको। चलता हूँ। हाँ माने सर। अगले जन्म में होगी तेरी ब्यूटी स्लीप पूरी। बता आ गया मेरा हीरो। ये कौन है? चलो मिलने का अपने एक्सपर्ट से। हेलो। अरे कौन है? तुम यहाँ कैसे? तुम्हें यहाँ कैसे लाया? कौन लाया तुम्हें? वो तेरी सौतन है और वो तेरी सौतन की बेटी। सौतन? अरे डिवोर्स हो गया इसका। कौन लाया? बोल जा ले। ऐसे तो बताया नहीं इसका डिवोर्स हुआ है। अब बताएगा ना। और इन दोनों का क्या करना है? इनको भी मारना है क्या? डॉली यही तो पासपोर्ट है हमारे यहाँ से बाहर निकलने के। पासपोर्ट? हाँ तुम्हारा छोड़ दूंगा। समझाता हूँ ना क्यों पकड़ा हूँ, आराम से समझाता हूँ, चिल्लाने की जरूरत नहीं है। एक छोड़ दूंगा लेकिन तेरे को ना इससे पहले मेरे लिए काम करना होगा। नहीं करेगा मैं। अच्छा ठीक है तेरी मर्जी, मैं टेंशन नहीं लेता हूँ। ए डॉली एक काम करते, ये तीनों को ही मार दे तेरे। हाँ? हाथ में कोई नया बकरा पकड़ लेंगे। छोड़ दे इनको, छोड़ दे इनको। तो ठीक है फिर काटेंगे। ऑब्वियसली लेकर आ, अभी काटेंगे ये तीनों को। अरे छोड़ इनको, छोड़ दे, छोड़ दे इनको। अरे छोड़। कल विकी का देश छोड़ के निकलने का प्लान है लेकिन हम उसे निकलने नहीं देंगे। लेकिन सर हम करेंगे क्या? उसके हर मूवमेंट पर नजर रखेंगे। राइट राइट सर। प्लीज मेरी फैमिली को छोड़ दो, प्लीज इन्हें छोड़ दो, इन्होंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा। अरे तुम सुन क्यों नहीं रहे हो? मैं कह रहा हूं इन्हें छोड़ दो प्लीज। उन्होंने क्या बिगाड़ा है?
बेबी, इन दोनों ने कुछ नहीं बिगाड़ा है, बिगाड़ा तो तुमने मेरी बात ना मान के। क्या हुआ? क्या हुआ बेबी? आज तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा? मैं तुम्हारी गोद में बैठी हूं, तुम्हें पता है ये मुझे अपनी गोद से तड़ने भी नहीं देता था। देखी, ये तो कुछ भी नहीं है। कल रात को मैंने और जतिन ने, बता दूं तुम्हारी बेटी और तुम्हारी बीवी को, एक्स बीवी, राइट? बता दूं, तुमने कल रात को मेरे साथ क्या क्या किया था? बोलो ना बेबी। क्योंकि ये कुछ बोल ही नहीं रहा है। क्या कर रहा है? ए, रुक जा, डाल। वाह, वाह। मैं तुझे बोला मेरी बेटी को कुछ मत कहना। मेरी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए। डाल।